सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम हैं नैनीताल में। ब्लॉग वैसे हम बनाते नहीं, लेकिन आज नैनीताल आने का प्रोग्राम बना तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी कुछ खास चीज़ें जो नैनीताल के बारे में कही जाती हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। नीरज भाई ने अभी काफ़ी कुछ आपको नैनीताल के बारे में बताया, नैनीताल कौन सी जगहों पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से आप टॉप व्यू देख सकते हैं, ये सामने नैनीताल है, इधर थोड़ा वैसे समझ में नहीं आ रहा है, ये नैनीताल है। अब मैं आपको फ्रंट करूँगा, ये टॉप व्यू है नैनीताल का यहाँ से। फ्रंट फ्रंट दोबारा से हमारी राइडिंग चालू हो चुकी है और हमें उत्तराखंड के सबसे सुंदर पॉलिटेक्निक टेक्निक बहुत पुराना है, 1957 सिंस 1957 से ये चालू हुआ है। ऐसे ऐसे मतलब आज दुनिया पूछती है या फिर कुछ लोग नासा में होंगे, कुछ लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे होंगे, मतलब सारी ब्रांचें यहाँ से अव्वल रही हैं। और मैकेनिकल का तो पास में ही हमारा रुद्रपुर सर्कल है, जहाँ टाटा और अशोका लेलैंड बड़ी बड़ी कंपनियाँ विराजमान हैं, तो वो कंपनियाँ यहाँ पर आके कैंपस देती हैं पहाड़ी बंदों को, पहाड़ी बच्चों को जो जिनमें प्रतिभा है उनका सिलेक्शन होता है। तो हमारा मकसद यह है कि जो युवा पीढ़ी है वो सही रास्ते पे चले, सही दिशा उसे मिले और सही निर्देश मिले तो वो अच्छा कर सकती है और उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकती है। आप देखते हैं, आप यूपीएससी निकालते हैं, कोई आईपीएस निकाल रहा है, सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में अगर भर्ती होती है कहीं से किसी भी राज्य से तो वह हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको हर एक आदमी मिलेगा, लेकिन किसी के अंदर बुराई नाम का तथ्य बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ का आदमी सच्चा माना जाता है। आप रास्ता पूछोगे वो सही बताएगा, अगर उसे नहीं पता होगा वो बोलेगा नहीं बताएगा। देखिए दूर दूर से सलामी आते हैं, वो 6-7 दिन के लिए रहते हैं, पीछे आप देख रहे हैं दो सलामी आ रहे हैं, रहते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने मकसद एक बनाया हुआ है कि हम जो यहाँ की ताज़ा शुद्ध हवा है, हिमालय के दर्शन डेली करें, ताज़ा शुद्ध हवा में वॉकिंग करें। तो बाहर का बंदा ये सब कर रहा है, लेकिन यहाँ की युवा पीढ़ी अलग ही एक रूप में उसने बोल्ड ले लिया है कि नशे की तरफ वो जा रही है। यह हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि नशे से पीढ़ी ही नहीं हर चीज खत्म हो रहा है आपके आसपास, नेचर या कुछ भी आप बोलेंगे। हम चाहते हैं यहाँ क्लीन ग्रीन हो और गो ग्रीन हो, लेकिन आज आप देखते हैं कूड़ादान है, कूड़ादान कहते हैं, आप गौर करेंगे और निकलेंगे इस मकसद के लिए तो आपको ज़रूर दिखेंगी ये चीज़ें और आपके दिखेंगी। गाइस अभी हम जा रहे हैं, हमारे पुराने मित्र मिले हैं हमें, पंकज तिवाड़ी जी, उनका ब्लॉग है अपना देवभूमि के नाम से, देवभूमि उत्तराखंड के नाम से, आप उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको देवी देवताओं के बारे में और जो हमारी वहाँ की पहाड़ी दिशा होती हैं वो आपको पंकज तिवाड़ी जी की आवाज़ में वो खुद बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है उसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो मतलब बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं। बाकी राइट साइड में भी हम नैनीताल से कई ऊंचाई पर आ गए हैं, इस रोड को किलवरी रोड कहा जाता है। इस रोड पे सबसे पहले बर्फ़ गिरती है हमारे नैनीताल के अंदर और यहाँ से रोड है, आप देख रहे हैं बिरला विद्या मंदिर सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, 3 किलोमीटर दूर है बिरला विद्या मंदिर। यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस है, करीबन उत्तराखंड के जितने भी अधिकारी लेवल के आदमी हैं या फिर जो अच्छे उद्योगपति हैं उनके बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत दूर से आते हैं उनका भी। देखिए सेंट जोसेफ कॉलेज है, सिरवुड कॉलेज है जिसमें बिरला मंदिर है, सरस्वती विहार स्कूल है जहाँ पर प्योर संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो मतलब देवभूमि जिसे कहा जाता है, देवभूमि और UK 04 नैनीताल जो क्षेत्र है बहुत सुंदर
और उत्तराखंड के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो खोज करी थी वो नैनीताल की करी थी। दो पहाड़ी हैं वी शेप की, अगर आप नैनीताल से देखेंगे या नैनीताल से देखेंगे दो पहाड़ी आपको वी शेप की दिखेंगी, उसके बीच में तालाब है। एक पहाड़ी पे आपको पूरी बसावट मिलेगी, एक पहाड़ी पे हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी, बाकी स्कूल कॉलेजेस ये सारी चीज़ें, या प्रशासनिक भवन, आईजी ऑफिस हो गया, डीआईजी ऑफिस हो गया, हमारा पुलिस लाइन हो गई, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, बाकी हाई कोर्ट हमारा मन्नू महारानी जो फाइव स्टार होटल है नाम है, राइट साइड पंकज जी राइट साइड आप दिखाना, यहाँ पर दूरबीन लगा के लोग देखते हैं पशु पक्षियों को और नीचे हमें चला देते हैं। टॉप व्यू के लिए भी हम जल्दी कोशिश करने वाले हैं, अपने ब्लॉग में लेके आएंगे अपना ड्रोन जो आज की पिक्चराइजेशन और को आसान कर देता है। पहाड़ में खासकर ड्रोन की जरूरत है क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जो आप दिखा नहीं सकते, जो भी चीज़ें हैं उनके मुकाबले आप चीज़ों का आसानी से दिखा सकते हैं। बहुत ठंडा इलाका है, अभी हमने हाफ पहनी भी है तो ठंडा बहुत, मतलब हम कड़कड़ाने लगे हैं और हमारी रूह खड़ी होने लगी है, जो रूह के बाल होते हैं वो खड़े होने लगे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, ये एक बिल्कुल यूटर्न रोड है, यहाँ से आपको जाना है और बहुत इजीली आपको जाना होगा, चढ़ाई है उतार है, चढ़ाई पे वाहन को आप हमेशा उसका सहयोग करें क्योंकि चढ़ाई में बंदा फंस गया तो बहुत दिक्कत आ सकती है, उतार में तो आप अपने ब्रेक को कंट्रोल करके गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। सुंदरता का एक प्रतीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ से एक यहाँ से निकल। तो गाइस जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था, जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी देखिए आप चारों तरफ इधर से बाढ़ है, एक ग्राउंड है एक छोटा सा स्नो व्यूज पॉइंट से जस्ट पहले पड़ता है, यहाँ पर आपको चढ़ाई मिलेगी और यहाँ पर एक स्कूल भी है चिल्ड्रेन एकेडमी के नाम से। चारों तरफ का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, 360 व्यू जिसे बोलते हैं, ये व्यू है। अगर आप नैनीताल की मैं बात करता हूँ, देखिए नैनीताल वी शेप के आकार में दो पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक सुंदर नगर है, सुंदर सिटी है। इसमें एक तरफ जो पहाड़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, अभी जूम कर रहा हूँ, ये पहाड़ पे पूरी आबादी रहती है और एक हॉस्पिटल बहुत पुराना है यहाँ पर, रैमजे हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं उसे, इस्तौलने कंपाउंड, ये पूरा क्षेत्र इस्तौलने में आता है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र इस्तौलने में आता है। इसी क्षेत्र में जू भी है, बस स्टैंड को आप नियर बाई से देख सकते हैं और ये जो पास में दिख रहा है आपको डांट पिलर्स दिख रहे हैं जहाँ से पानी नीचे से निकल रहा है उसे बोलते हैं डांट, और उसके ऊपर बसें दिखाई दे रही हैं, इधर कहीं पुलिस लाइन है आपकी, यहाँ कहीं पुलिस लाइन है, यहाँ कहीं, ठीक है। फिर इसके बाद जाते हैं हम स्कूल की बात अगर करते हैं, टॉप मोस्ट स्कूल है सेंट जोसेफ, जहाँ पर कोई मिल गया की शूटिंग हुई है, आपने देखा होगा कोई मिल गया की शूटिंग इसी कॉलेज के अंदर हुई है, इसी कॉलेज में हुई है। उसके बाद इधर को आते हैं तो ये प्रशासनिक भवन है, इधर को गवर्नर हाउस भी इधर ही का रास्ता है, ये ऊपर वाली सड़क है नैनीताल की। इधर जो आप देख रहे हैं ये टॉप वाला, ये है शेरवुड कॉलेज, जहाँ से काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों ने अपना स्कूलिंग करी है। तो नैनीताल फेमस बहुत चीज़ों के लिए है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी ये देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इधर आ जाएंगे आप फिर टिफिन टॉप, वहाँ पर आप
क्लाइंब कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर घोड़े के थ्रू जा सकते हैं। इधर हमारा आ जाता है चाइना पीक, इसे बोलते हैं हम चाइना पीक, जहाँ से आपको नैनीताल आम की सेब का दिखाई देगा। बाकी आप देख रहे हैं, बाकी आप 360 व्यू देखो, क्लाइमेट इतना सुंदर है यहाँ का, पशु पक्षी की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी अगर मैं हलचल कम करूँगा तो। बाकी आप देख रहे हैं अभी इस टाइम पर्यटक भर के आए हुए हैं, बोटिंग आप देख सकते हैं यहाँ से कितने लोग बोटिंग कर रहे हैं, लगभग अगर बोले तो वैसे तो तालाब बहुत बड़ा है आपका, इस तालाब के अनुमान के हिसाब से अभी फिलहाल मैं अगर लोकल वाइज लोकल दिमाग से अगर बताऊं आपको तो 30% वोटिंग हो रही है इस टाइम, आधा कस्टमर इस टाइम घूम रहा। पूरा जो ताल है वो आपको दिखाई देगा, शायद दिखाई दे रहा होगा, आधा ताल दिखाई दे रहा है, कुछ पेड़ लगे हुए हैं आगे से इसलिए पूरा ताल नहीं दिखाई दे रहा। ये ताल का आखिरी हिस्सा है, इस साइड पार्किंग है, नैना देवी मंदिर है जहाँ आप दर्शन के लिए आ सकते हैं, और यह पूरा नैनीताल है जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। नैनीताल के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आपने जानते होंगे, किसी बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा या कहीं से वीडियो के जरिए आपने देखा होगा। कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में अभी नीरज भाई ने आपको बताया, और कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं परफेक्टली इतनी अच्छी तरह से जानता तो नहीं हूँ लेकिन आते रहता हूँ तो बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली। तो यहाँ से आप जो ये टॉप व्यू है जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से आप जो टॉप व्यू है नैनीताल का वो आप देख सकते हैं, और जो आसपास के प्रसिद्ध जगह हैं उनको भी देख सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड तिवारी जी, तिवारी जी ने आपको बहुत अच्छा संक्षेप करा होगा, बाकी जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मैं बताता हूँ, जितना तिवारी जी को नॉलेज होता है उतना वो बताते हैं। हमारे दोनों हम यूट्यूब चैनल अभी हमने स्टार्टिंग करी है, हम आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सब्सक्राइब हमें चाहिए, और हम आपको ऐसी सुंदरता दिखाते रहेंगे। बाकी अभी हम स्नो व्यू पॉइंट पे जाने वाले हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं टावर नंबर 3, ये जो टावर है इसके थ्रू नीचे से रोपवे आता है, रोपवे देखने अभी हम जा रहे हैं, तो आपको वहाँ से एक सुंदर व्यू और हम दिखाएंगे। बाकी अभी सनसेट भी होने वाला है तो सनसेट भी आज कवर करेंगे, वेदर बहुत अच्छी हुई थी। अगेन मैं आपको बता दूँ ये स्कूल है सेंट जोसेफ्स के नाम से, यहाँ पर कोई मिलिया की शूटिंग हुई थी, सिरवुड कॉलेज से आपके अमिताभ बच्चन जी पढ़े हुए हैं, आप जानते होंगे उन्हें, बहुत फेमस बॉलीवुड कलाकार हैं, उन जैसा शायद ही कोई हो पाएगा। तो बहुत सुंदरता है इस नेचर में, आप कभी आइए, कभी विजिट कीजिए, और हमारे चैनल के द्वारा आप इन पॉइंटों पे आसानी से पहुँच सकते हैं और कम समय पर। नैनीताल से करीबन आप ये मान के चलिए अगर कालाडूंगी बाईपास पर आप पहुँचते हैं, कालाडूंगी बाईपास से ये जगह मात्र 4-4.5 किलोमीटर पे है, आपको स्नो व्यू पॉइंट से जाने से पहले जस्ट राइट में ये ग्राउंड दिखेगा। ग्राउंड में बाढ़ है इस टाइम लेकिन हम चोरी छिपे आए हैं आपको सुंदरता दिखाने। तो टू बी कंटिन्यूड, आगे अभी हम आपको दिखाएंगे स्नो व्यू पॉइंट, वहाँ पर क्या क्या आपका खेलने का मतलब का है, बच्चों के खेलने का मतलब का है, क्या आप राइडिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, क्या आप नैनीताल की सुंदरता को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने फैमिली चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने मतलब सुंदरता एक तरफा है जिसे हम बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। अभी इसका मैं दोबारा फोटोग्राफ अभी कभी निकालेंगे अपना, जब बर्फ़ पड़ेगी, बर्फ़ का सीज़न आएगा तो उस टाइम पे हम आपको दिखाएंगे, पूरा शहर सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है, जो भी अभी कलरफुल घर दिख रहे हैं वो वाइट होते हैं पूरे। ठीक है, तो अभी हम आपसे मिलते हैं तिवारी जी से।